आज सुबह करीब 7 बजे मंगाला गांव के कुछ लोगों ने सूचना दी थी 112 पर कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में मंगाला के पास से उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिस पर हमारे चौकी इंचार्ज ने जाके इसका गहनता से अध्ययन किया। मैं भी मौके पर पहुंचा तो प्रथम दृष्टिया यही है, मौके पे कुछ दवाइयों के रैपर वगैरह पड़े हैं, इंजेक्शन है, तो ऐसे लगता है जैसे किसी से इसने कोई दवाई वगैरह मेडिकल स्टोर से ली है और उस दवाई का रिएक्शन है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे उसकी मृत्यु हुई है। और इस बारे में हम CMO साहब को और ड्रग इंस्पेक्टर को भी इस बारे में लिख रहे हैं और वो जो रैपर हमने कब्ज़े में लिए हैं वो किस बैच के हैं और कौन सी दवाई है उसके बारे में हम पता कर रहे हैं और जो भी इसमें कानूनी तौर पर जो भी इसमें अपराधी होगा उसके खिलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। परिवार वालों ने कुछ शिकायत भी की? परिवार वालों के अभी बयान दर्ज कर रहे हैं, उसके आधार पर हम 174 की कार्रवाई कर रहे हैं और जो ही पोस्टमार्टम की जैसे भी रिपोर्ट आएगी उसी अनुसार कार्रवाई की। ये कोट भाई गाँव है, कोट भाई का रहने वाला है ये और यहाँ केसुबुरा में इसकी मौसी है, यहाँ आया हुआ था। अभी नशा मुक्ति केंद्र में भी एडमिट था जो? नशा मुक्ति केंद्र का अभी हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि नशा मुक्ति केंद्र में था या नहीं था। अभी जो ये लिखित में हमारे पास जो देंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। मृतक का नाम कैसे? मृतक का नाम है इसका है गुरजीत। उम्र इसकी 32 ईयर है और ये कोट भाई करने वाला है।